हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया. ओके, लेट अस स्टार्ट अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक. आवर टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस. ठीक है, पहले हम मार्केट प्राइस और नॉर्मल प्राइस अपने पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं, थोड़ा सा जस्ट रिवाइज करते हैं. नॉर्मल प्राइस क्या होते हैं? लॉन्ग रन के जो प्राइजेस होंगे उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल प्राइस. ठीक है, और जो शॉर्ट रन के प्राइसेस होंगे, या वेरी शॉर्ट लगा के चलो, वेरी शॉर्ट रन के जो प्राइसेस होंगे वो क्या होंगे? आपके मार्केट प्राइस. ठीक है, मार्केट प्राइस क्या होते हैं? जो शॉर्ट रन में फिक्स होते हैं, एक दिन या दो दिन के अंदर जो प्राइसेस फिक्स हो गए वो क्या होते हैं? मार्केट प्राइस. और जो लॉन्ग रन, लंबा टाइम, दो तीन महीनों के अंदर, चार महीनों के अंदर जो आपके किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस फिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉर्मल प्राइसेस. जैसे देखो, शुगर के प्राइसेस कितने हैं? 40 रुपीज. ठीक है, ये क्या है? लॉन्ग रन प्राइसेस की 40 रुपीज प्राइसेस फिक्स हैं. लेकिन क्या हुआ, आपकी दिवाली का सीजन आ गया, मिठाइयों की डिमांड ज्यादा हो गई, शुगर की डिमांड ज्यादा हो गई, अब क्या होगा? हो सकता है प्राइसेस थोड़े से इंक्रीज हो जाए. कितने हो जाए? 42 हो जाए या 45 हो जाए. जो ये 42-45 हुए हैं, इसका मतलब क्या है? वो क्या है? मार्केट प्राइस. वो क्या हुए? शॉर्ट रन के लिए, थोड़े टाइम के लिए प्राइसेस ज्यादा हो गए हैं, लेकिन जैसे ही दिवाली चली जाएगी तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे? फिर से आपके 40 पे फिक्स हो जाएंगे. तो फिक्स होना मतलब लॉन्ग रन, और अप एंड डाउन होना मतलब शॉर्ट रन. इस डायग्राम से देखते हैं, यहां आपकी क्वांटिटी है और यहां आपके प्राइसेस हैं. ये जो प्राइसेस कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं. दिवाली का सीजन आया, प्राइसेस ज्यादा हो गए, सीजन चला गया, प्राइसेस कम हो गए. तो ये क्या होते हैं? मार्केट प्राइस. ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है ये क्या है? नॉर्मल प्राइसेस. क्या है ये? 40 रुपीज शुगर के प्राइसेस हैं. ये क्या होंगे? 40 रुपीज ही रहेंगे नॉर्मली लॉन्ग रन के अंदर. ठीक है, थोड़े से बढ़ सकते हैं, थोड़े से कम हो सकते हैं, लेकिन इसी रेंज के अंदर, इसी लाइन को टच करेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्राइसेस या लॉन्ग रन के प्राइसेस. क्लियर? अब इसमें डिफरेंस करेंगे, इजी हो जाएगा. सबसे पहले है टाइम. टाइम क्या होता है? मार्केट प्राइसेस के अंदर हमारे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि वो क्या होते हैं? शॉर्ट रन. शॉर्ट रन के जो प्राइसेस होते हैं वो क्या होते हैं? मार्केट प्राइसेस. और जो लॉन्ग रन के प्राइसेस होंगे वो क्या होंगे? नॉर्मल प्राइसेस. क्लियर? इक्विलिब्रियम से दूसरा डिफरेंस करते हैं. ये क्या होते हैं? टेम्परेरी. टेम्परेरी मतलब ये प्राइसेस 42-45 हो सकते हैं कुछ टाइम के लिए. ठीक है, तो मार्केट प्राइसेस क्या होते हैं? टेम्परेरी. और नॉर्मल प्राइसेस क्या होते हैं? परमानेंट. 40 रुपीज शुगर के प्राइसेस हैं तो ये 40 रुपीज ही रहेंगे. क्लियर? फिर है आपका ये जो होते हैं मार्केट प्राइसेस, डिमांड और सप्लाई के द्वारा ज्यादा प्रभावित होते हैं. जैसे ही डिमांड ज्यादा हो गई, प्राइसेस ज्यादा हो गए. ठीक है, लेकिन जो लॉन्ग रन के प्राइसेस होंगे उस पर डिमांड और सप्लाई का इफेक्ट बहुत कम पड़ता है या ना के बराबर. ठीक है, मार्केट प्राइसेस के ऊपर डिमांड और सप्लाई का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, और नॉर्मल प्राइसेस के ऊपर डिमांड और सप्लाई का इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं पड़ता. क्लियर? फिर है आपका रियल. रियल क्या होता है?
जो रियल में होते हैं इनकी 40 रुपीज प्राइस रियल में लिए जाएंगे, ठीक है। और ये क्या है, प्रोबेबल हम सोच सकते हैं कि 42 भी हो सकते हैं, 43 भी हो सकते हैं, 44 भी या 45 भी, ठीक है। नॉर्मल प्राइसेस क्या होंगे, रियल होंगे। अब प्रॉफिट की बात करें तो क्या बात करेंगे हम कि मार्केट प्राइसेस में क्या हो सकता है, हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं। जैसे 40 से प्राइसेस बढ़कर 45 हो गए तो 5 रुपीज का क्या हो गया आपको, प्रॉफिट हो रहा है। जो चीज 40 की आप सेल कर रहे थे अब आप 45 की कर रहे हो तो क्या हो गए आपको, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं। थोड़े टाइम के लिए आपको लॉसेस भी हो सकते हैं या आपको नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, कहां पर, मार्केट प्राइस के अंदर। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा, सिर्फ आपको नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा, ठीक है। इसमें क्योंकि आप रेट नहीं बढ़ा सकते ना, 40 से 45 नहीं कर सकते, जब रेट नहीं बढ़ेंगे तो प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। प्रॉफिट क्या मिलेगा आपको, नॉर्मल प्रॉफिट आपको गेन होगा। इसमें ना तो आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गेन कर सकते हो ना आपको लॉसेस होंगे, सिर्फ आपको नॉर्मल प्रॉफिट ही आप गेन कर सकते हो, क्लियर। ये है आपका मार्केट प्राइस और नॉर्मल प्राइसेस में डिफरेंस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।